हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट वॉच पर। फ्रेंड्स, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो दो तरह के लोगों को पाते हैं, एक जो खाना नहीं खाने से कुपोषण के शिकार है और एक जो अत्यधिक और अनहेल्दी खाना खाकर ओबेसिटी का शिकार है। आज पूरे वर्ल्ड में कई ऐसे देश हैं जहाँ के अधिकतर लोग ओबेसिटी के शिकार है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटापा अपने आप में एक बीमारी है, ये जानते हुए भी लोग अनहेल्दी खाना रेगुलर बेसिस पर खाते हैं और मोटापे का शिकार होते हैं, यानी कि बीमारी का शिकार होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ओबीस कंट्री कौन सी है तो आप में से 90% लोगों का जवाब होगा अमेरिका। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि मोटे लोगों की संख्या सबसे अधिक अमेरिका में नहीं बल्कि एक छोटा सा देश है जिसका नाम है नारू, वहां मोटे लोगों की संख्या सबसे अधिक है। आप में से कई दोस्तों ने इस देश का नाम सुना भी नहीं होगा। ये देश पैसिफिक ओशियन में है। इस कंट्री में मौजूद 61% पॉपुलेशन ओबिसिटी का शिकार है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के रहने वाले लोगों में से 90% लोग ओवरवेट है। सोचकर भी डर लगता है ना कि क्या सच में कोई ऐसा देश है जहाँ 10 में से 9 लोग ओवरवेट है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इसी कैटेगरी पर बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस कारण से नारू देश के लोग मोटे हैं। तो आइए बिना आपका कीमती वक्त बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओवरवेट और ओबीस में फर्क क्या है। जबकि अगर हम कहते हैं कि कोई ओवरवेट है या ओबीस है तो दोनों का ही मतलब होता है मोटापा। फिर दोनों में डिफरेंस है क्या? सबसे पहले ओवरवेट को समझते हैं। कोई ओवरवेट है या नहीं, इसके लिए एक इंडिकेटर का यूज किया जाता है जो कि बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है, BMI। BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स। BMI कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, ये बहुत ही सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। BMI को मेजर करने के लिए सबसे पहले अपनी हाइट को मेजर कीजिए, लेकिन मीटर्स में। अगर आप अपनी हाइट फीट और इंचेज में जानते हैं तो इसे मीटर में कन्वर्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच है तो मीटर्स में ये 1.72 मीटर होगा। दूसरा, अपने वेट को चेक कीजिए। मान लीजिए आपका वेट है 74 kg, उसके बाद आप अपने वेट को अपनी हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए जो की होगा 24.8। ये आपका 24.8 BMI होगा। BMI का क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। अगर आपका BMI 18.5 से नीचे है तो आप अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं। अगर 18.5 और 24.9 के बीच BMI है तो आपका नॉर्मल हेल्दी वेट है, और अगर 25 और 29.9 के बीच आपका BMI है तो आप ओवरवेट है, और 30 और उससे ऊपर का BMI ओबीस की कैटेगरी में आती है। यानी कि ओबीस का मतलब है ओवरवेट से भी ज्यादा वाले लोग। फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक बात पता होनी चाहिए कि BMI हेल्दी होने का सिंगल इंडिकेटर नहीं है। ये सच है कि अगर आपका BMI अंडरवेट, ओवरवेट और ओबेस की कैटेगरी में आता है तो ये आपके लिए वार्निंग साइन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल वेट वाले लोग बहुत हेल्दी है, क्योंकि वेट आपके मसल्स और स्ट्रांग बॉडी पर भी डिपेंड करता है। एक दुबला पतला आदमी का BMI अगर नॉर्मल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो हेल्दी है, क्योंकि अगर उसका वेट कम है तो हो सकता है कि उसकी बॉडी वीक हो। लेकिन एक मस्कुलर व्यक्ति का BMI नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवरवेट है। उसका वेट उसके मसल्स पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर BMI ओबीस की कैटेगरी में आता है तो ये डेंजर है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट और ओबीस में डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नारू देश की। नारू इकलौता ओबीस कंट्री नहीं है, कई और कंट्री हैं जो ओबीस की कैटेगरी में आते हैं जिनके नाम आप में से कई लोग पहले तो सुने भी नहीं होंगे। मैं भी नहीं सुनी हूँ। उनके नाम इस तरह से हैं। नंबर 1 पर है नारू, उसके बाद पलाऊ, कुक आइलैंड, मार्शल आइलैंड, तवालू, नियू, किरीबाटी, टोंगा, समाओ और माइक्रोनेशिया। इन सभी कंट्रीज में एक चीज कॉमन है और वो ये कि ये सभी पैसिफिक ओशियन में सिचुएटेड है और एक स्मॉल आइलैंड कंट्री है ये सभी। किसी बाहर के लोगों को अगर इन कंट्रीज की फोटो या वीडियोस दिखाया जाए तो ऐसा लगेगा कि कितना नेचर फ्रेंडली है ये सारी कंट्रीज। यहाँ के लोग तो नेचर के बीच में रहते होंगे और नेचुरल चीजें खाते होंगे और काफी स्वस्थ होंगे, लेकिन रियलिटी इसका जस्ट उल्टा है। फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन देशों के मैक्सिमम लोग ओबेसिटी के शिकार है। अगर हम नारू की बात करते हैं तो ये दुनिया की तीसरी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। सिर्फ 21 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक आइलैंड है जहां सिर्फ 12,500 लोग रहते हैं। एक टाइम ऐसा था जब ये अनटच्ड आइलैंड था, बहुत ही सुंदर सा हरा भरा। 1798 में एक ब्रिटिश जहाज जब यहां आया तो इस आइलैंड के बारे में लोगों को पता चला। इस शिप के कैप्टन जॉन फियन थे। इस आइलैंड की सुंदरता देखकर कैप्टन इनका नाम प्लीजेंट आइलैंड रखते हैं। इस आइलैंड के बारे में जब दुनिया को पता लगा तो 1830 के अराउंड कई यूरोपियन शिप इस आइलैंड पर आने लगे और यहाँ से फ्रूट्स, लोकल पाम वाइन, ड्रिंकिंग वाटर और कोकोनट्स की ट्रेडिंग करने लगे।
और बदले में इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को बंदूकें और विदेशी शराब देकर जाते थे। यहाँ के रहने वाले जितने भी नेटिव्स लोग थे सभी अलग अलग 12 ट्राइब्स में बटे हुए थे, यानी इस आइलैंड पर 12 जनजातियां रहा करती थी। लेकिन हथियार और शराब के कारण साल 1878 में इस आइलैंड पर 10 साल तक सिविल वॉर होती है, जिसके कारण यहाँ की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट आधी हो जाती है इस वॉर की वजह से। बाद में जर्मन एम्पायर द्वारा कब्जा कर यहाँ के हथियार जब्त कर लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इन सभी बातों से वहाँ के लोगों के मोटे होने का क्या संबंध है। जब हम आगे चलते हैं तो 1900 में न्यूजीलैंड के एक आदमी ने, जिसका नाम अल्बर्ट इलिस था, वे इस आइलैंड पर फॉस्फेट डिस्कवर करते हैं। फ्रेंड्स, फॉस्फेट एक ऐसी मिनरल है जिसे फार्मिंग करते समय आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किया जा सकता है। 90s के जमाने में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स था। यही कारण था कि 1906 में जर्मनी के साथ एक एग्रीमेंट बनता है जिसमें पैसिफिक फॉस्फेट कंपनी यहाँ फॉस्फेट की माइनिंग शुरू करती है। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हार के बाद नारू देश ज्वाइंट ट्रस्टीशिप के अंडर में आ जाता है और एक नारू आइलैंड एग्रीमेंट साइन होता है, जिसके अकॉर्डिंग फॉस्फेट रिजर्व आइलैंड जितने हैं वो सभी ब्रिटिश के पास चले जाते हैं, ब्रिटिश फॉस्फेट कमिश्नर्स के हाथ में, और फिर ब्रिटिश द्वारा नारू को लूटने की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर 1942 में जापानीज एम्पायर द्वारा नारू देश को कैप्चर्ड कर लिया जाता है, जिसके कारण बहुत ही अत्याचार सहना पड़ता है वहां के लोगों को। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी, इटली और जापान के हारने के बाद नारू देश फिर से यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाता है। फिर से फॉस्फेट इंडस्ट्री रिवाइव करती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, फिर भी नारू देश के लोगों को बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, सारे पैसे कंपनी के खाते में जाती है। फिर 1968 में नारू देश आजाद होता है और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है। यहाँ के पॉलिटिशियंस यहाँ के फॉस्फेट माइनिंग के बिजनेस को कंटिन्यू रखते हैं, जिससे देश के पॉलिटिशियंस को फायदा तो बहुत होता है लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी देश पर काफी पड़ता है। इस आइलैंड की आधा से ज्यादा जमीन माइनिंग के लिए दे दी जाती है, लोगों के रहने के लिए जगहों की कमी होने लगती है, लेकिन एक्सपोर्ट से आने वाले पैसों का लालच इस देश के पॉलिटिशियंस को कुछ और सोचने नहीं देता है। माइनिंग कंटिन्यू रहती है, देश की जीडीपी बढ़ती है और वहां लोगों का लाइफ स्टाइल बदल जाता है, लोग लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने लगते हैं। यहाँ तक कि नारू 1975 में दुनिया का सेकेंड रिचेस्ट कंट्री बन जाता है जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब में, और सिर्फ सऊदी अरेबिया इससे ज्यादा अमीर था उस समय। नारू देश के लोगों के लिए सब अच्छा चल रहा था, फॉस्फेट के एक्सपोर्ट से पैसे आ रहे थे, नारू के लोग फॉस्फेट इंडस्ट्री या गवर्नमेंट जॉब में इम्प्लॉय थे। गवर्नमेंट की ओर से मेडिकल, डेंटल केयर, बस ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ तक कि गवर्नमेंट न्यूज़पेपर सभी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री थे, सभी लोग काफी खुश थे। फिर 1982 में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपता है कि फॉस्फेट जो मौजूद है इस देश में वो अब लिमिटेड है, 10 वर्षों के अंदर ये सारा फॉस्फेट खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ के लोग कैसे बिना फॉस्फेट माइनिंग के अपने इस लग्जरी लाइफ स्टाइल को कंटिन्यू रख पाएंगे। इस आर्टिकल पर उस समय नारू के फाइनेंस मिनिस्टर का रिप्लाई आता है कि कल का कल देखेंगे। उस समय नारू के फाइनेंस मिनिस्टर जेम्स बॉब थे। फिर आखिरकार वो दिन आता है और 1990s के आते आते फॉस्फेट रिजर्व्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण कई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो नारू देश द्वारा की गई थी वो क्रैश हो जाती है। 2010 आते आते फॉस्फेट पूरी तरह खत्म हो जाता है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बड़ी संख्या में बढ़ जाती है। क्लाइमेट चेंज का निगेटिव इफेक्ट भी इस देश पर दिखने लगता है। नारू देश के सबसे ज्यादा नुकसान का कारण था फॉस्फेट माइनिंग। माइनिंग के कारण आइलैंड का ज्यादा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो चुका है। लगभग 90% लैंड ऐसा है जहां कोई रह नहीं सकता है, ना ही कोई खेती की जा सकती है। जो लोग यहां रह रहे हैं वो सिर्फ आइलैंड के किनारे पर रह रहे हैं। यहां तक कि इस आइलैंड का ग्राउंड वाटर भी कंटेमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से यहां रहने वाले लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे इरिवर्सिबल किडनी डैमेज, लंग डैमेज, बोन डैमेज और कैंसर जैसी बीमारियां। जो देश माइनिंग से पहले प्रकृति का खजाना था, वहां के लोगों के पास अब पीने का पानी तक अपना नहीं बचा, जबकि एक टाइम पर यहाँ के पानी में फिशिंग की जा सकती थी, फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाए जाते थे, लेकिन अब यहाँ सब कुछ बदल चुका था। अब ना तो खुद का पानी था, ना ही खुद का खाना, तो सभी चीजें इन्हें बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता। और फ्रेंड्स, इस देश में मोटे लोगों की संख्या अधिक होने का कारण भी यही है, क्योंकि अपने देश में फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं होते हैं, तो इन लोगों को बाहर से इम्पोर्ट किए गए पैकेट फूड पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। और आप सब अच्छे से जानते हैं कि पैकेट फूड्स कितना हार्मफुल होता है, क्योंकि इसमें सॉल्ट, शुगर और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स की मात्रा अधिक होती है। इसके साथ ही ये चीप और प्रोसेस्ड फूड होते हैं, व्हाइट राइस, इंस्टेंट नूडल, सोडा। अब लोगों की मजबूरी है ये जंक फूड खाना, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, और डेली इस तरह का जंक फूड खाने के कारण ही यहाँ ओबेसिटी की रेट इतनी तेजी से बढ़ने लगे, और आज की डेट में ये दुनिया का सबसे ओबेस कंट्री बन गया है। जो देश 35 साल पहले अमीर देशों की गिनती में सबसे ऊपर था, वहाँ आज की डेट में कोई टूरिस्ट नहीं आते हैं, ये लीस्ट विजिटेड कंट्री बन चुका है।
आज की डेट में अगर आप यहाँ जाते हैं तो ओबीस लोग यहाँ ज्यादा देखने को मिलेंगे, यहाँ तक कि बच्चे भी। फ्रेंड्स, अगर आप फिट रहना चाहते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं तो हेल्दी खाना खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें, क्योंकि अगर आप जंक फूड खाते हैं तो ये आपको ओबिसिटी की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देगा। फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि नारू देश ओबीस और फेटेस्ट कंट्री की लिस्ट में सबसे टॉप पर कैसे पहुंच गया। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आप हेल्दी और फिट रहिए और ओबिसिटी की कैटेगरी में आने से बचिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।